आजिम शेख, आपके लिए लेकर आया हूँ खबरों का एक खास सिलसिला। महाराष्ट्र राज्य के हर कोने की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप भी दिखाना चाहते हो अपने इलाके की कोई खबर, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। इंडो अमेरिकन हेल्थ केयर के डॉक्टर तरुण कोठारी ने किया बड़ा खुलासा, कहा कोरोना टेस्ट किट पर नहीं किया जा सकता है पूरी तरह भरोसा। नागपुर के क्रिसेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर अजीज खान ने की लोगों से अपील, कहा ईद पर न करे कोई शॉपिंग, पैसा गरीबों को करे दान। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रतीक बावनकर मंगेश जी ने डॉक्टर और चिकित्सकों को दिया चाय और नाश्ता। सामाजिक कल्याण एवं मानव संरक्षण संघ नागपुर की तरफ से राज्य के सभी लोगों से अपील, यदि आपके आसपास कोई अपराध या अन्याय हो रहा है, सरकारी सेवाएं संबंधित कोई शिकायत है तो ऑर्गेनाइजेशन से करें संपर्क। नागपुर में बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज, घट्टी गोदाम बना नया हॉटस्पॉट। वाड़ी शिवसेना की ओर से मुख्यमंत्री सहायता निधि में 1,51,000 रुपये की मदद। हमारे संवाददाता कमल नमपल्लीवार जी ने उठाया बड़ा मुद्दा, कहा दिन रात मेहनत करने वाले पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य का ध्यान दे सरकार। राज्य में किराना दुकानों से अधिक वाइन शॉप पर भीड़, हर रोज उड़ाई जा रही है जनता कर्फ्यू की धज्जियां। गढ़चिरौली में कोरोना की एंट्री, नए 5 कोरोना मरीज मिले। हिंगन घाट क्वारंटाइन सेंटर में हो रही है असुविधा, लोगों ने जताई नाराजगी। बुलढाणा के लिए सोमवार रहा सबसे बेहतर दिन, 57 रिपोर्ट आई निगेटिव। वर्धा में सोमवार को मिले 4 नए मरीज, कुल संख्या 6 के करीब हुई। अकोला में कल मिले 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, अब तक 121 मरीज हुए ठीक। अमरावती में भी नए 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज, कुल संख्या 111 के करीब।